एंड आज का ये जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वॉक थ्रू करने वाले हैं एक बुक का, जिस बुक का नाम है द फाइन लाइन। ये फॉरेवर की ऑथराइज्ड एक तरीके से लिटरेचर है जिसको हम सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले कुछ सेशंस में कि यूजुअली क्या होता है कि जब भी एक मेंटर बोलता है कि ये बुक पढ़ो या ये करो या वो करो, सिंपल थिंग्स करने के लिए जब बोला जाता है तो मोस्टली 90% लोग वो नहीं करते। और मुझे पता है कि आप में से 90% लोग इस बुक को नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि नहीं पढ़ेंगे इसलिए आज के वेबिनार को ध्यान से सुनिए, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि वो 90% नहीं, उन 10% में आप सभी लोग आए, देखते हैं कौन कौन आता है। 10% में गो थ्रू दिस बुक, बिकॉज मैं हर एक पॉइंट को कवर नहीं कर पाऊंगा। बट ये बुक ऐसी है जिसमें हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एथिकली हम बिजनेस को कर पाए। इसलिए द फाइन लाइन एक बुक है जिसके बारे में लेट्स लेट्स बिगिन दिस ट्रेनिंग। द फाइन तो इसको आगे चलते हैं आगे। तो इसमें इस बुक में जो हमें पता चलेगा कि द इंटेंशन ऑफ दिस बुक इज टू एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस एंड द अवेयरनेस ऑफ द इंडस्ट्री वी आर डीलिंग विद। हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस इंडस्ट्री से डील कर रहे हैं। क्या हम मेडिसिन बनाते हैं या क्या हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, हम एग्जैक्टली क्या बनाते हैं, वो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से इस बुक में लिखा हुआ है। वी बेसिकली दिस बुकलेट सर्व्स एज अ गाइड टू द पीपल इन द हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। बेसिकली तो वी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वी शुड नो कि हमारे मतलब वी शुड नॉट क्रॉस द लाइन। ओके, क्रॉस द लाइन का मतलब कि एज पर पॉलिसी या एज पर दिस इंडस्ट्री रूल हम लोगों को ओवर क्लेम कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी कस्टमर के साथ कि ये प्रोडक्ट लो 100% गारंटी आप ठीक हो जाओगे, वी ये प्रोडक्ट लो 100% आपकी प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। वी एक्चुअली डील इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, और हमें से कोई भी डॉक्टर नहीं है तो कोई भी डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। ये बिल्कुल क्लियर रूल है, ये बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है फॉर एवर की, और वही चीजें हैं इस बुक में कि आपको क्या नहीं कहना है, व्हाट नॉट टू से व्हाइल प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए जबरदस्ती सेल बढ़ाने के चक्कर में गलत चीजें बोल के कभी भी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश ना करें। और क्या गलत चीजें हैं, क्या सही चीजें हैं, वही सब चीजें इस बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक वॉक थ्रू। इनिशियली इस बुक में लिखा हुआ है कि हाउ दिस कंपनी स्टार्टेड एंड किस टाइप के प्रोडक्ट हैं हमारे कंपनी के पास। ओके, सो 1978 में स्टार्ट हुई थी, और अवर कंप्लीट फैमिली ऑफ एलोवेरा ड्रिंक्स स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं एंड कॉस्मेटिक्स ब्रिंग्स रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलो टू द इंटायर बॉडी। तो क्या लिखा हुआ है, क्लियर एलो ड्रिंक्स जिसमें न्यूट्रिशन भी आ जाता है एंड देन स्किन केयर प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक्स के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी कंपनी के हैं। ऑल्सो बी हाइव न्यूट्रिशनल एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बी हाइव के भी कुछ प्रोडक्ट है जो कि हमने प्रोडक्ट कैटलॉग को वॉक थ्रू करते टाइम देखा था। तो एज वी नो कि ये फॉरएवर कंपनी स्टार्टेड वाज स्टार्टेड इन 1978 बाय एम्बिशियस पर्सन मिस्टर रेक्स मॉम। ही इज अ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओ ऑफ एफएलपी इंटरनेशनल कंपनी। ओके, सो ये तो चलिए ठीक है, एफएलपी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में है, तो ये जो प्रोफाइल के बारे में है वो हम ज्यादा कवर नहीं करेंगे, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। बट जो फाइन लाइन है, क्या हमें नहीं कहना है या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पर चलते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, तो इस बुक में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री एक्चुअली जा कहाँ रही है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट डे भी शेयर डिस्कस किया था थ्रू अ वेलनेस ग्राफ। ओके, इन जनरल न्यूट्रिटिव वैल्यूज इन मोस्ट ऑफ द फूड्स वी ईट आर नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हवा, पानी और खाना तीनों चीजें इतनी ज्यादा टॉक्सिकेटेड हो चुकी हैं, इतने सारा पेस्टिसाइड और दुनिया भर के केमिकल यूज हो रहे हैं खाना बनाने में और हवा में और पानी में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन तो वैसे भी खाने में कम है, और ऊपर से हमारी बॉडी अगर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन है भी खाने में तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है, और जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो उसकी वजह से लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हमको इलनेस या डिसीज होती है। तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन यहाँ लिखा है, बट नाउ इट हैज क्रॉस ट्रिलियन मार्क, इट इज ऑलरेडी मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ओके, एंड इट इज नॉट ओनली अ लग्जरी, इट इज अ प्योर नीड। ओके, इट इज अ नीड ऑफ द आवर।
हर किसी की बॉडी, क्योंकि हम लोग इंसान है, हम लोगों को ये नीड है कि हम लोग न्यूट्रिशन को लें। ये जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम की वजह से जो डिजीज होती है, कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता। ये जो बड़ी ऐसी फोटो दिख रही है, ये जो कलाबाजी कर रहे हैं, ये हेल्दी से दिख रहे हैं। ओके, सो नोबडी वांट्स टू फॉल इल, तो दैट्स व्हाई लोग आजकल जागरूक हैं कि मुझे बीमार नहीं पड़ना। लोग अपनी सेहत के लिए, अपने आप पे, अपने अपनी एजुकेशन पे, या समझ ले अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करने के लिए पीपल आर रियली ओपन। ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए पीपल हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट दीस डेज। अब अगर लोगों को पता है कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो डायरेक्टली जो ये जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये हमारी कंपनी बहुत अच्छे 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 जो प्रोडक्ट्स बना के इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रही है। और पॉल जेन फिल्जर जो कि रेस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट हैं और ऑथर हैं एक बुक के, उनके हिसाब से वेलनेस इंडस्ट्री जो है विल बी द नेक्स्ट मेजर फोर्स इन बिजनेस ऑन प्लेनेट, रीचिंग $1 trillion इन द कमिंग ईयर्स, जो कि कर चुकी है ऑलरेडी $1 trillion। ऑलराइट, सो वेलनेस रिवोल्यूशन एक तरीके से जस्ट इसमें ये बताया जा रहा है कि वेलनेस इंडस्ट्री अपने आप में बहुत जबरदस्त, बहुत स्पीड से ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है। कुछ टाइम पहले स्टील का दौर था, फिर कंप्यूटर्स का दौर था, और अब जो दौर आने वाला है फ्यूचर में, दैट इज अबाउट वेलनेस। ओके, वेलनेस इंडस्ट्री, तो ये वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में काफी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द ड्रग्स, व्हाट इज डाइटरी सप्लीमेंट एंड कॉस्मेटिक्स। इन तीनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है? ड्रग्स, डाइटरी सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक्स, तीनों एक जैसे लगते हैं, बट हमको प्रॉपर पता होना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ड्रग, व्हाट इज अ ड्रग? तो ड्रग इज बेसिकली एनी सब्सटेंस व्हेन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, जब हम बॉडी में लेते हैं तो इट ऑल्टर्स नॉर्मल बॉडीली फंक्शन। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जैसे नेचुरली डिजाइन किया गया है काम करने के लिए, उसको वो ऑल्टर करता है। उसमें उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है, जैसे कि जैसे ड्रग क्या होता है कि जो फार्मा इंडस्ट्री के जो भी है, ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट और डायग्नोस अ पर्टिकुलर डिसीज। और ये डिसीज को क्योर या फिर प्रिवेंट करने में, ट्रीट करने में ये जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी नेचुरल बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ऑल्टर किया जाता है, जैसे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, सॉरी हमारा जो डिसीज है उसको ठीक करे। ओके, ड्रग कैन ऑल्सो बी अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस इन अ मेडिसिन दैट ऑल्टर्स द स्ट्रक्चर ऑफ और फंक्शन ऑफ सम ऑफ द बॉडीज बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आपने देखा होगा कि मेडिसिन जो हम लेते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, बिकॉज वो ऑल्टर करता है हमारे बॉडी के जो नेचुरल फंक्शन है ना, जो हमारे नेचुरल बॉडी का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको थोड़ा सा वो ऑल्टर करता है। अब देखिए, ज्यादा हमें साइंस तो नहीं पढ़नी है, बट उसको ऑल्टर करता है जिससे कि हम लोग गुड फील करें, अच्छा फील करें उस टाइम पे। तो एज मतलब ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के हिसाब से, मेडिसिन फॉर द इंटरनल एक्सटर्नल यूज फॉर द ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स एंड एनी सब्सटेंस इंटेंड टू यूज इन फॉर डायग्नोस मिटिगेशन दिस, इट ऑल्सो इंक्लूड एनी आर्टिकल अदर देन फूड। ठीक है, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। अ ड्रग कैन ऑल्सो बी अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस इन अ मेडिसिन दैट ऑल्टर्स स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, अ मेडिसिन ऑन द अदर हैंड इज अ ड्रग और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दैट इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट इलनेस, क्योर एंड रिलीफ पेन। तो खैर चलिए, मेडिसिन के बारे में ही है, इट ऑल्टर्स अवर इम्यूनिटी सिस्टम, इतना हमको समझना ईजी लैंग्वेज में। Now, what is cosmetics? Cosmetics क्या है कि any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed or applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness, altering appearance, इन सब चीजों को cosmetics बोला जाता है। मतलब कि जो हमारी जो natural appearance है उसके ऊपर या तो हम spray करें या rub करें या जो भी करें sprinkle करें, जिससे हमारी natural जो beauty है उसको थोड़ा सा उभार है। ओके, उसके लिए कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। एंड अगर लेडीज इसको वेबिनार को सुन रही हैं तो आई होप कि आप लोगों को तो और अच्छे तरीके से पता ही है कि कॉस्मेटिक्स क्या होता है। सो कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं आर मीन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन, मतलब कि वो हमारी जो ब्यूटी है उसको इनहेंस करने के लिए उसका वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, इनहेंस करने के लिए। बट कुछ कुछ जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर कुछ ड्रग्स पाए जाते हैं, या क्या आप हम लोगों को अगर सिंपल भाषा में बोलो तो कुछ कुछ
एक तरीके से केमिकल पाए जाते हैं. ओके, तो सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैव इंक्लूजन ऑफ ड्रग्स इन देयर प्रिपरेशन. फॉर एग्जांपल बोरोलिन, बोरोलिन आपने सुना होगा, बोरोलिन क्रीम आती है. बोरोलिन इज अ ड्रग विद इन द मीनिंग ऑफ एक्ट एंड देयरफॉर इज नॉट अ कॉस्मेटिक इवन दो इट इज टॉपिकल अप्लाइड टू द स्किन टू इंप्रूव द अपीयरेंस. ओके, सो ये कॉस्मेटिक्स में नहीं आती बोरोलिन, हालांकि वो एक ड्रग है लेकिन वो कॉस्मेटिक्स में नहीं आती बिकॉज वो मतलब दो इट इज टॉपिकली अप्लाइड टू द स्किन. अब इसको ध्यान से समझते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ डाइट्री सप्लीमेंट कैन नॉट लीगली से दैट डाइट्री सप्लीमेंट कैन डायग्नोस क्योर ट्रीट और प्रिवेंट डिसीज. ये बिल्कुल क्लियर है कि डाइट्री सप्लीमेंट जो भी बेच रहे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो कभी लीगली ये नहीं कह सकते कि हम डायग्नोस करेंगे, क्योर करेंगे, ट्रीट करेंगे किसी भी डिसीज को. ओके, आपने देखा होगा जो हमारा विकोटर्मेरिक करके आयुर्वेदिक क्रीम बोलते हैं ना, विकोटर्मेरिक नहीं कॉस्मेटिक, विकोटर्मेरिक आयुर्वेदिक क्रीम. ठीक है, आई होप कि ये जो ट्यून है ये बचपन में हमने सुनी और इवन अभी तक इसका याद आता है. ओके, तो ये जो जिंगल है ना विकोटर्मेरिक आयुर्वेदिक क्रीम का, द कंपनी इज टेलिंग अस थ्रू दिस जिंगल दैट द प्रोडक्ट ऑल्दो बीइंग अ टॉपिकल एप्लीकेशन इज नॉट अ कॉस्मेटिक एंड हैज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड इस मतलब इसके अंदर एक बिग मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि वो एक कॉस्मेटिक नहीं है, वो एक आयुर्वेदिक क्रीम है जो कि हमारी मतलब हमारी स्किन को अंदर से ठीक कर रहा है. ओके, तो डाइट्री सप्लीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं जैसे कि हम इन तीनों चीजों को रिलेट कर पाए, ड्रग, कॉस्मेटिक्स एंड नेचुरल डाइट्री सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट मींस एडिंग समथिंग. ओके, कुछ ऊपर से डालना उसको बोलते हैं सप्लीमेंट. करेक्ट, अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो अपनी बेसिक हेल्दी डाइट में टू द बेसिक हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल, डाइट्री सप्लीमेंट ऑल्सो नोन एज फूड एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट. तो ये इसका इंटेंशन ये होता है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिले, जैसे विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सब चीजें हमारी बॉडी को मिले जो कि हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रही है सफिशिएंट क्वांटिटी में बिकॉज ऑफ बैड फूड, क्योंकि फूड अच्छा नहीं है. इस चक्कर में हम लोगों को ऊपर से टॉपअप डालना ही पड़ेगा. ओके, सो ये जो भी टॉपअप्स होते हैं या तो टेबलेट के फॉर्म में हो सकता है, कैप्सूल के फॉर्म में हो सकता है, सॉफ्ट जेल जैसे हमारा आर्टिक सी है, ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल और लिक्विड्स एंड पाउडर के फॉर्म में ये हो सकता है. एनी इंडिविजुअल इज एबल टू सेल एंड परचेज देम फ्रीली. ओके, तो फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है FDA डज नॉट रेगुलेट डाइटरी सप्लीमेंट इन द सेम वे दैट इट रेगुलेट मेडिसिन ड्रग्स. तो मेडिसिन एंड ड्रग्स को कभी भी आप इस तरीके से नहीं बेच सकते विदाउट एनी लाइसेंस, बट डाइटरी सप्लीमेंट्स को एनीबडी कैन सेल एंड परचेज फ्रीली. ओके, तो ये रूल होता है. सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द मेडिसिन एंड द ड्रग्स. इफ यू हैव एन इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम, मेक श्योर सीक एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो किसी को भी अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई मिलता है और वो बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो कभी भी आप दावा मत करिए कि ये लो और आप ठीक हो जाओगे. आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बताना चाहिए कि आप अगर ज्यादा बीमार हैं तो डॉक्टर से बात करिए. डॉक्टर अगर आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में बीमारी किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से है, देन वो ऊपर से जो डाइट जो आपके डाइट में नहीं मिल पा रहा है उसको ऐसे सप्लीमेंट वी कैन गिव. बट अपने आप से डॉक्टर बनने की कभी कोशिश मत करिए. ओके, तो यही वही इसमें वही लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैन नॉट क्लेम कि आप इस चीज को बिल्कुल ठीक कर देंगे. ओके, सो व्हाई डू वी नीड डाइटरी सप्लीमेंट. डाइटरी सप्लीमेंट हमें चाहिए ही क्यों? तो जैसे आपको पता है कि जो खाना हमारा बनता है वो जो खाना हमारा बन रहा है इज हेल्दी. वो हेल्दी तभी होता है जब हमारा जिस मिट्टी में वो बन रहा है वो मिट्टी भी अगर हेल्दी हो तो. ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट गुड फार्मिंग मेथड्स आर यूज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स यू प्रेजेंट टू योरसेल्फ एंड अदर्स. तो जो एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि एलोवेरा तो मेरे घर पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी है, वहां पर भी है, ये प्लांट वो प्लांट, आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आ रही है. तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे FLP का जो एलोवेरा है और जो भी प्लांटेशन है, वी मेक श्योर कि उनको जो पानी मिल रहा है उसके अंदर प्रॉपर मिनरल्स हों और सब चीजें हों जो कि एक हमारे प्लांट्स को चाहिए. सॉइल शुड बी मतलब उसके अंदर सॉइल हेल्दी सॉइल हो जिसके वजह से हमारे पास जो हमारे प्लांट्स बन रहे हैं वो भी प्रॉपर, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉपर हो. बारबाडेंसिस मिलर जो एक स्पीसीज है, बेस्ट स्पीसीज जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सब चीजें हो. तो
मतलब एक बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जब आप कुछ कुछ भी खेती खेती बाड़ी कर रहे होते हो। तो एज अ जनरल रूल मोस्ट पीपल आर लैकिंग मेजर विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट एड इन टाइम्स ऑफ इलनेस स्ट्रेस मेंटेन हेल्दी बॉडी ग्रोथ। अगेन वही रिपीट हो रहा है कि विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें जो हो रही है इसी वजह से, क्योंकि डाइट ही हमारी बहुत गंदी है, खराब हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं से टॉप अप तो करना ही पड़ेगा। बट विद द राइट सप्लीमेंट्स हेल्पिंग यू बिल्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल यू ग्रेटली इंप्रूव योर बॉडीज चांस ऑफ फाइटिंग ऑफ इलनेस। तो जो लोग अच्छा खाना खाते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के लोग क्योंकि अच्छा खाना खाते थे उस टाइम पे, सब कुछ अच्छा था, पानी वानी सब चीजें अच्छी थी, तो वो लोग बीमार कम पड़ते थे। ओके आज के लोग आज के टाइम में मतलब एक तरीके से मेडिकल लाइन बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो डेफिनेटली वी हैव लॉट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम जो भी मेडिकल साइंस है। बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से जो खाना पीना जो बेस 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 है हमारे न्यूट्रिशन का, जब वही खराब है तो डेफिनेटली वी हैव टू डू सम टॉपअप्स ऊपर से। ओके सो ये सब चीजें हम लोग ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। इट इज हाईली रिकमेंडेड बाय मेनी लीडिंग न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स दैट यू फाइंड राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट तो बहुत सारे मार्केट में आते हैं, बट यू शुड नो व्हाट इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट विच यू शुड टेक। तो हमारी कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या है कि वी हैव, जैसे कहते हैं कि अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो और वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो न्यूट्रिशन लेने का कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव एलोवेरा जो ड्रिंक्स है हमारी, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में पहले हेल्प करती है, पहले क्लीनिंग करो उसके बाद फिर अच्छा न्यूट्रिशन खिलाओ। और साथ में एलोवेरा जो है उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन तो है ही, विटामिन मिनरल जो हमने कल गुड हेल्थ बुक में भी देखा था। ओके सो इट इज अ एफएलपी को अगर हम बोले कि कुछ और शब्दों में एफएलपी को समझाओ, तो एफएलपी इज ऑल अबाउट राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट। हमारे पास बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन है सप्लीमेंट्स का। ओके सो वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट फॉर ऑप्टिमल हेल्थ सिंस अवर डाइट्स आर मोस्टली मोस्टली लाइकली कैन नॉट प्रोवाइड ऑल ऑफ देम। ओके हमारे डाइट पे सब चीजें है नहीं, तो स्ट्रॉन्गर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर होगी सारी डिसीज को लड़ने के लिए। ओके तो विटामिन सी हैज बीन हेल्प टू असिस्ट इन अवॉइडिंग द कॉमन कोल्ड एंड अदर रिलेटेड इलनेसेस। विटामिन सी काफी अच्छा रहता है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, जो कि एलोवेरा में तो है ही, और साथ में अलग से विटामिन सी के मेरे पास टेबलेट्स भी आती है, तो ये सब चीजें रखिए। एक क्वेश्चन आता है कि आई एम ऑलरेडी टेकिंग सप्लीमेंट्स बट आई बेयरली सी एनी डिफरेंस, राइट। कभी कभी होता है कि मैं आपके कहने से मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं बट प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। ओके तो इट इज अ कॉमन कंप्लेंट फ्रॉम सम पीपल हु यूज सप्लीमेंट्स। द प्रॉब्लम हियर इज दैट पीपल डू नॉट रियली टेक सप्लीमेंट सीरियसली, दे टेक द वन मोस्ट अवेलेबल और परहैप्स द चीपेस्ट, दे बिलीव इन ऑल बोल्ड क्लेम्स फ्रॉम वेबसाइट्स एंड अदर सोर्सेस एंड एंड अप गेटिंग लो क्वालिटी प्रोडक्ट। तो टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट यू मस्ट चूज द राइट सप्लीमेंट, राइट सप्लीमेंट। ओके तो न्यूट्रिशन ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा लोगों को जैसे फील होता है कि थकावट सी फील हो रही है और गूगल से सर्च कर लिया और कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया जो कि सस्ता है, कि ये विटामिन लो या ये मिनरल ले लो और मैं ठीक हो जाऊंगा। नो यू शुड टेक हाई क्वालिटी डाइटरी सप्लीमेंट्स, राइट सप्लीमेंट आप यूज करेंगे देन यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। ओके इट इज ओनली बाय टेकिंग योर चॉइस सीरियसली विल यू बी एबल टू लिव अ फुलर एंड बेटर लाइफ। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एंड मेडिसिन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो ये यहाँ से इस वाली पेज में हमें काफी अच्छे से क्लियर होगा। ड्रग्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट डिसीज। देखिए ड्रग्स डिसीज इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और जो न्यूट्रिशन है वो वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। ओके दे आर ऑल्सो यूज टू रिलीव पेन, जैसे पेन किलर, क्या फॉरएवर के पास पेन किलर है? नो कोई पेन किलर नहीं है हमारे पास, बिकॉज हम ड्रग इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते। ओके ये किसी एलिमेंट फिजिकल एलिमेंट इन सब चीजों को ठीक करने में हेल्प करता है ड्रग, मतलब ये सिकनेस इंडस्ट्री है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वेलनेस इंडस्ट्री है कि बीमार ना पड़े। अगर ऑलरेडी बीमार पड़ चुके हैं तो यू हैव टू टेक ड्रग्स।
Drugs include a medicine for the internal and external use for the human body or animals, any substance intended to be used to diagnose, cure, mitigate, mitigation, treatment and prevention of a disease. Now, but disease bahut zyada word use hoga agar hum drugs ki baat kare to. Network marketing companies like us cannot market medicines, as each individual distributor in the company would have to be registered as the drug license. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ड्रग बेचना है तो आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए. बट इन नेटवर्क मार्केटिंग हमारे पास तो कोई लाइसेंस ही नहीं है कुछ भी सामान बेचने का, बिकॉज वी डील इन टू डाइटरी सप्लीमेंट्स, नॉट इन द ड्रग्स. ओके, तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. इन ऑर्डर टू सेल ए प्रोडक्ट एज ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मेडिसिन, यू आर रिक्वायर्ड टू हैव अ ड्रग लाइसेंस. ऐसा ना हो कि आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है और आप उसको प्रॉपर एक डॉक्टर के तरह पर्चा लिख के दे रहे हैं कि ये ले लो. आप सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, व्हाट इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, जिस चीज की कमी की वजह से, जिस चीज को लेने की वजह से, हो सकता है कि डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से उसका कॉन्सिक्वेंस है कि आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका हेयर अच्छे होंगे, आपका जो बाकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि विटामिन सी नेचुरली हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है. तो set the expectation absolutely right. Therefore, network marketing companies like us cannot market medicines. ठीक है, क्योंकि हमको license चाहिए होगा, जो कि हमारे पास license नहीं है. तो just make sure कि हम लोग dietary supplement industry से belong करते हैं. Okay, which mainly लोग लेते हैं अपनी healthy lifestyle के लिए. All right. Dietary supplements cannot legally say that dietary supplement can cure, diagnose, treat or prevent disease, but they can say that they contribute to healthy men health contribute to health maintenance and well-being. ये line आपको बिल्कुल clearly पता होना चाहिए कि never, जैसे आप लोगों ने देखा होगा bad marketing strategy, अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक fancy सा वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं, एक advertisement बना देते हैं, एक product की photo और यहाँ पे लिखते हैं कि ये सारी बीमारियों को वो ठीक करेगा, बहुत बड़े बड़े दावे. तो वो हम लोग नहीं कह सकते कि 100% ये क्योर करेगा कोई डिसीज को, या डायग्नोस करेगा, या प्रिवेंट करेगा किसी डिसीज को. वी कैन नॉट से लीगली, ओके, बट वी कैन लीगली से दैट दीज प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट टू हेल्दी लाइफस्टाइल एंड वेलबींग. क्या करता है उसके अंदर, क्या इंग्रेडिएंट है, जैसे लिग्निन, सैपोलिन, ये सब टाइप की चीजें यू कैन से. बट कभी भी इन सब चीजों से बचिएगा कि कभी भी गलत इंफॉर्मेशन, कोई डिसीज को क्योर करने का कोई भी एक तरीके से दावा कभी भी किसी कस्टमर के साथ मत करिएगा. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सभी लोगों को पता होना चाहिए सब चीजें. तो आर डाइटरी सप्लीमेंट्स रेगुलेटेड डिफरेंटली फ्रॉम फूड एंड ड्रग्स? द आंसर इज यस. फूड एंड ड्रग डिफरेंट इंडस्ट्री होती है. ओके, एंड डाइटरी सप्लीमेंट डिफरेंट इंडस्ट्री होती है. सो ऑल्दो डाइटरी सप्लीमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय FDA एज फूड्स, जैसे इंडिया में FSSAI है तो भी फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है. Most often, classification as dietary supplement is determined by the information that the manufacturer provides. तो जो कि हमारे जितने भी product होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके ingredient लिखे होते हैं. ठीक है, तो वो हमको लिख के देना पड़ता है, मतलब कंपनी को लिख के देना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या ingredient है. Alright? तो claims stated on the product labeling in advertising, on the internet or on the other promotional materials, ये सब चीजें बिल्कुल clear होना चाहिए. तो ये खैर कुछ रूल्स हैं इस इंडस्ट्री के. सर्टेन क्लेम्स में कॉज अ प्रोडक्ट टू बी कंसीडर्ड एज ड्रग इवन इफ द प्रोडक्ट इज मार्केटेड एज अ कॉस्मेटिक. सच क्लेम्स एस्टैब्लिश द प्रोडक्ट एज द ड्रग बिकॉज ऑफ इंटेंडेड यूज टू ट्रीट मेडिसिन. ओके, मेडिसिन की तरह. तो आप देखेंगे कि FLP के जितने भी प्रोडक्ट है उसमें बड़ा क्लियरली एक एक चीज लिखी होती है कि इसके अंदर एक तरीके से कि वो ड्रग कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आता है. ओके, तो जो भी डाइटरी, जो भी न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो उसके अंदर लिखना पड़ता है. तो उसके अंदर प्रॉपर आप देखेंगे, प्रॉपर लिखा होता है कि इसके अंदर कितना परसेंट क्या चीज है. इट इज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द सप्लीमेंट आर सेफ, फ्री ऑफ कंटामिनेंट्स, करेक्टली लेबल्ड एंड मेड इन अ सेफ एंड क्लीन एनवायरमेंट. तो देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले. कल हमने गुड हेल्थ बुक पढ़ रहे थे ना, तो उस बुक में हमने देखा था लास्ट में कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स मिले, कोशर रेटिंग, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, ये सब चीजें मिली हुई हैं. तो ये बहुत ही एक तरीके से हाईली रिकग्नाइज्ड एक तरीके से सर्टिफिकेशंस हैं. इट मींस कि ये जो भी प्रोडक्ट्स बने गए हैं ये प्रोडक्ट्स बहुत ही एक तरीके से
क्या बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे, एहतियात से बनाए गए हैं, ओके, जो कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के फॉलो कर रही है हमारी कंपनी. ऑलराइट. सो हाँ, एक चीज और, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अ स्ट्रक्चर और द फंक्शन क्लेम इज अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ अ प्रोडक्ट मे अफेक्ट द ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम एंड कैन नॉट बी एंड कैन नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक डिसीज. हम लोग जैसे होते हैं ना, जैसे ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन हेल्प सपोर्ट हेल्दी जॉइंट्स, ये हम ये है. ओके, तो स्ट्रक्चर फंक्शन क्लेम डू नॉट रिक्वायर एफडीए अप्रूवल बट द मैन्युफैक्चरर मस्ट प्रोवाइड एफडीए विद द टेक्स्ट ऑफ द क्लेम विद इन 30 डेज ऑफ पुटिंग द प्रोडक्ट ऑन द मार्केट. ओके, दिस स्टेटमेंट हैज नॉट बीन. और यहाँ पे अगर आप इस तरीके से कुछ क्लेम करते हैं, जैसे कंपनी लिख रही है, अगर मान लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा कि कंपनी के जो लिटरेचर भी कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ग्लूकोसामाइन हेल्प्स इन सपोर्ट हेल्दी जॉइंट्स, तो उनको ये भी लिखना पड़ेगा कि दिस स्टेटमेंट हैज नॉट बीन इवैल्यूएटेड बाय एफडीए, दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस. तो ये दिस इज एक तरीके से डिस्क्लेमर, द प्रोडक्ट हैज टू शो दिस डिस्क्लेमर. हल्का सा भी ये लिखा गया है कि इट सपोर्ट्स हेल्दी जॉइंट, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि इट क्योर अर्थराइटिस, नो, सपोर्ट हेल्दी जॉइंट्स. सिमिलरली आर्कटिक सी के लिए भी बोला जाता है, और फॉरएवर विजन जो कि आंखों के लिए होता है, फॉरएवर किड्स जो कि बच्चों के लिए होता है, बट द स्टेटमेंट्स आर नॉट इवैल्यूएटेड बाय एफडीए. तो दीज आर द सम ऑफ द रूल्स. एनी अदर हेल्थ क्लेम्स आर यूजुअली अबाउट मार्केटिंग, नॉट अबाउट हेल्थ. रिमेंबर द फूड्स आर नॉट ड्रग्स, फूड बिल्कुल भी ड्रग्स कैटेगरी में नहीं आते हैं. ओके, तो ये ऑलमोस्ट वही सब चीजें लिखी हैं. Now, supplements like omega-3 fatty acid supplements are classified as food by FDA. FDA के हिसाब से जो omega-3 fish oil होता है हमारा Arctic Sea के अंदर, omega-3 को food category में माना जाता है. तो that's why हम लोग omega-3 को nutritional एक तरीके से supplement के category में हम लोग बोल सकते हैं. तो इस book को एक एक point में ध्यान से पढ़ेगा, because of limitation of time I cannot read each and every line. बस मैं आपको बस एक क्विक वॉक थ्रू ही कर रहा हूँ, सो दैट जिन लोगों ने बुक को नहीं पढ़ा उन लोगों को पता चले. तो ये नटशेल में अगर बिल्कुल ही सिंपल भाषा में अगर बात करें तो बस इन पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करते हैं. ड्रग्स वो चीजें होती हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, हम लोग नहीं. ये आप एक केमिस्ट दुकान से ही खरीद सकते हो ड्रग्स को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं. ये प्रिस्क्राइब करी जाती है और इंटेंडेड होती है उस पर्टिकुलर पर्सन को यूज करने के लिए. मतलब कि अगर डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब करा, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, उनके लिए अगर उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी सर में दर्द हो या आपके भी पैर में दर्द हो तो आप भी वही मेडिसिन ले लें. नहीं, वो उन्हीं पर्सन के लिए हिसाब से ही प्रिस्क्राइब करी जाती है. ड्रग मैन्युफैक्चरर में क्लेम दैट देयर प्रोडक्ट विल डायग्नोस, ड्रग मैन्युफैक्चरर क्लेम कर सकते हैं कि डायग्नोस क्योर और एक पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करने में हेल्प करेगा, बट सप्लीमेंट्स नहीं कर सकते. सप्लीमेंट्स आर द फूड्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. यहाँ पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं, यू कैन इजीली सेल इन पब्लिक. ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री इसको बेच सकता है. मेडिकल क्लेम्स में नॉट लीगली बी मेड फॉर डाइटरी सप्लीमेंट, कभी मेडिकल क्लेम हम लोग नहीं कर सकते. ओके, और जैसे इसमें क्या है ड्रग में कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही वो पर्चा लिखा जाता है, बट डाइटरी सप्लीमेंट ऐसे होते हैं कि घर में कोई भी उसको ले सकता है. ओके, सो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है. और एफएलपी इंडिया में ये पूरा का पूरा जो आता है वो सीधा मुंबई में आता है पहले. ओके, हाउ डू वी मार्केट अवर प्रोडक्ट्स विदाउट क्रॉसिंग द लाइन. अब जैसे फाइन लाइन इस बुक का नाम है, तो ये कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो हम लोग एक बार समझते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ दैट ऑफ द इंग्रेडिएंट प्रोसेस रादर देन मेकिंग हेल्थी क्लेम्स. आप ये बताइए कि उस प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, ये मत बताइए कि क्या क्या बीमारियां ठीक करेगा. आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि प्रोडक्ट हमारे ड्रग्स और मेडिसिन में नहीं आते. आप ये ध्यान में रखिएगा कि नेवर यूज द टर्म कि ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी जैसे मेडिसिन में होती हैं, और हमेशा अवॉइड करिए टारगेटिंग पेशेंट. जैसे कोई भी फॉरवर्ड में नया नया आता है, वो ये सोचता है कि मैं अपनी जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाता है वो, तो वो ये सोचता है कि कौन कौन बीमार लोग हैं उनको भी मैं बताऊंगा. नहीं, आप टारगेट मत करिए बीमार लोगों को, बिकॉज बीमार लोग जो है वो सिकनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री से नहीं. बट यस, एज अ हेल्प डेफिनेटली यू कैन शेयर प्रोडक्ट्स विद देम, शेयरिंग द इंग्रेडिएंट, डोंट गिव एनी हेल्थ क्लेम्स. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंप्लीटली अवेयर होना चाहिए सभी प्रोडक्ट से, और ये तभी हो पाएगा जब आप प्रोडक्ट को खुद से यूज करें.
ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल आर्टिक सी एफएलपी मार्केट्स द प्रोडक्ट एज फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, व्हेन प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट, जब आप आर्टिक सी को प्रमोट करते हैं तो मेंशन करिए कि उसके अंदर क्या है, ओमेगा 3 है, फिश ऑयल है, आर्टिक सी जो समुद्र है वहां से निकाला जाता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है, व्हाई दे आर द बेस्ट इंग्रेडिएंट इन द वर्ल्ड, क्यों ये सब दुनिया का बेस्ट है, और हाउ द इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स हेल्प इन अटेनिंग हेल्थियर यू, ओमेगा 3 के क्या फायदे हैं, जो नेचुरल फायदे होते हैं ओमेगा 3 के हमारी बॉडी में, ब्रेन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, ये शेयर करिए कि इट सपोर्ट्स हेल्दी ब्रेन फंक्शन, बट ये मत बताइए कि इट विल क्योर योर माइग्रेन, नो, ओके, आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड कि शब्दों को कैसे यूज करना है आपको. So you need to be completely aware of the product. As the saying goes, be a product of the product. ये बहुत अच्छी punchline है. इससे पहले कि आप product किसी को बताएं, अगर आप ये बता रहे हैं कि पतला कैसे हो जाए और आप खुद मोटे हैं, ठीक है, तो फिर product नहीं बिकेगा. Be the product of the product. अब एक और है, एलो एक्टिवेटर करके एक प्रोडक्ट आता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है. अवर एक्टिवेटर इज सोल्ड एंड प्रमोटेड बाय द कंपनी एज अ कॉस्मेटिक. ये कॉस्मेटिक कैटेगरी में आता है एलो एक्टिवेटर. सभी लिटरेचर में इसको कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में डाला जाता है. इट इज स्पेशली उसके अंदर लिखा होता है कि सेज नॉट टू बी यूज इन द आईज, आंखों के लिए नहीं है ये. इफ यू नो द प्रोडक्ट वेल यू विल नो दैट एलो एक्टिवेटर इज फिल्टर्ड फॉर्म ऑफ एलो. इट कैन बी सेफली applied to the body but should not be presented as a treatment or the cure. Okay, so कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि एलो एक्टिवेटर को इसके एलोवेरा ही तो है, आंखों में डाल लो, कानों में डाल लो. भाई ऐसे गलत क्लेम मत करिए, ये एक कॉस्मेटिक कैटेगरी में आता है. आंखों में डालने के लिए कंपनी ने ही मना किया हुआ है इसको. Okay, इसको सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं. कॉस्मेटिक्स जैसे पहले हमने देखा था उसकी डेफिनेशन, कॉस्मेटिक्स वो चीजें होती है जिसको आप अपने ऊपर रब कर सकते हैं स्किन के ऊपर, या फिर उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि डेंजर्स ऑफ क्रॉसिंग द लाइन, अगर आप गलत क्लेम कर देते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, बहुत सारे लीगल चीजें भी आपके अगेंस्ट हो सकती है. ओके, सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, 1945 और 1954, 1955, बहुत सारे ड्रग एक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं जो कि अमेरिका में तो है और इंडिया में भी कुछ कुछ है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम बात नहीं कर रहे क्योंकि डराने वाली चीजें हैं. बट ये है कि आप अपनी लाइन को क्रॉस मत करिए, ओवर क्लेम मत करिए, और किसी भी मुश्किलों में फंसने से बचिए. ओके, तो इन सब चीजों को आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप गलत क्लेम करते हैं तो फिर आपका आपको जेल वेल भी हो सकती है, लगभग एक साल की जेल भी हो सकती है. बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप इस बिजनेस में काम करने आए थे, रुपये कमाने आए थे, बट किसी पंगों में मत फंस जाइएगा. कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कभी मत करिएगा. आपने देखा होगा जो भी लोग YouTube में वीडियोस बनाते हैं और कोई गलत क्लेम कर देते हैं कि ये आपका पक्का ये ठीक कर देगा, ये ठीक कर देगा, ते मतलब बहुत ज्यादा रिस्की चीज है ये सब चीजें. आप लोग क्योंकि लीडरशिप फैक्ट्री में हैं, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कभी भी अपने व्हाट्सएप के थ्रू या अपने फेसबुक के थ्रू कभी भी किसी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया में शेयर मत करेगा कि एज अ क्योर टू अ डिसीज. कभी भी क्योर करके मेडिसिनल टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मत करिएगा, बिकॉज अगर वो फूड डिपार्टमेंट के हाथ लग गया तो फिर कंपनी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा है कि वी डोंट क्योर एनीथिंग, बट वो आपको पकड़ सकते हैं. ओके, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कोई भी गलत क्लेम ना करें. सो यहाँ पे वही लिखा है कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड. फूड अच्छा करें, उसको अच्छी तरीके से खाएं, जो सो दैट आपकी बॉडी को कभी मेडिसिन की जरूरत ही ना हो. ग्रेजुअली रिमूव ऑल रिफाइंड एंड इनऑर्गेनिक फूड जैसे सॉफ्ट ड्रिंक. ये कुछ ज्ञानी बातें लिखी हुई हैं रिलेटेड टू डाइट की, सॉफ्ट ड्रिंक और ये सब चीजें छोड़ दो और नेचुरल खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, और कुछ इंट्रोड्यूस सम हर्ब्स इन योर लाइफ, ड्रिंक हर्बल टी रादर देन कॉफी और रेगुलर चाय पीने के बजाय. तो ये सब कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. ओके, तो जब भी कोई सप्लीमेंट लें तो हमेशा ध्यान रखें कि क्वालिटी मैटर करती है. अगर आप एक अपनी संतुष्टि के लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं और वो काम हो सकता है ना करें, बिकॉज क्वालिटी भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो
क्वालिटी डज मैटर, सो इट्स गुड टू रीड्स द इंग्रेडिएंट्स एंड द वार्निंग्स ऑन द बॉटल एंड लर्न अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स. तो कुछ कुछ बॉटल के ऊपर लिखा होता है कि नॉट सुटेबल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, नॉट सुटेबल फॉर समबडी हु इज एलर्जिक टू समथिंग. तो ये चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही इंग्रेडिएंट पढ़ने के बाद हो सकता है कुछ लोग किसी चीज से एलर्जी हो, जैसे ग्लूटेन से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, तो ध्यान से उसको पढ़ के ही प्रोडक्ट को यूज करिए. ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने आज की बुक से थोड़ा सा कुछ सीखा होगा, समझा होगा कि इस बिजनेस को करते टाइम अपनी लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना, वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट. अगर आप इसमें रुपए कमाने के लिए आए हैं तो डोंट लुक फॉर पेशेंट्स, लुक फॉर बिजनेस पार्टनर्स. एंड अगर आप किसी को प्रोडक्ट शेयर कर ही रहे हैं तो प्रोडक्ट शेयर करते वक्त शेयर द इंग्रेडिएंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ दोस इंग्रेडिएंट्स, बट नेवर क्लेम कि ये आपकी किसी भी प्रॉब्लम को गारंटीड 3 महीने में, गारंटीड 6 महीने में ठीक कर दूंगा. ऐसे करके आप क्लेम कभी नहीं कर सकते. सो आई होप यू फाउंड दिस कॉन्टेंट वेरी वेरी इफेक्टिव. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.